नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। पीरपैदी प्रखंड अंतर्गत इंटर स्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामनगर के प्रांगण में 2 दिवसीय सत्संग के अंतिम दिन दोनों पालियों में विभिन्न प्रवक्ताओं द्वारा मानव शरीर की उपादेयता और परमात्मा भक्ति विषय पर प्रकाश डाला गया। देवनगरी हरिद्वार से पधारे अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में जन सैलाब की तरह उमड़े श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमात्मा की अहेतुकी कृपा से जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान होता है। इस शरीर को पाकर जो व्यक्ति इसे विषय सुख में गंवा देता है, उसे दोबारा यह दुर्लभ शरीर आसानी से प्राप्त नहीं होता। पुनः इसकी प्राप्ति के लिए जीव को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। यह समय हजारों और लाखों जन्मों का हो सकता है। इसी विषय पर अखिल भारतीय सत्संग महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर परमानंद साहब ने बताया कि जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, उनके जीवन में संत सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, चाहे वह ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान, सत्रह त्रिदेव ही क्यों ना हो। इन विषयों पर अन्य प्रवक्ताओं में देवनगरी हरिद्वार के ही स्वामी बोधानंद बाबा, स्थानीय स्वामी रामधारी बाबा, स्वामी श्यामा बाबा, स्वामी मनीषानंद बाबा, स्वामी उमेशानंद बाबा आदि महात्माओं ने भी अपने अपने विचार रखे। वहीं मंच का संचालन सतमत सत्संग के प्रखंड अध्यक्ष श्री परशुराम यादव जी ने किया और सत्संग समापन के पश्चात उपस्थित सभी श्रोताओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया।